टॉटोमेरीज के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा होगा? फंक्शनल आइसोमर्स। तो हेडिंग डाल लीजिए फंक्शनल आइसोमेरीज। क्या सोचते हैं फंक्शनल आइसोमेरीज में? टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नहीं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो लिख सकते हैं टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कोई दिक्कत नहीं है समझने में, लिखे इसको। तो हम अगला पॉइंट ये तो समझ रहे हैं कि दो और दो से ज्यादा कंपाउंड है, लेकिन क्या चीज चेंज है? वो है फंक्शनल ग्रुप। तो अब एक बार बताओ ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर्स का काम करेंगे? भाई दोनों में सेम ऑक्सीजन दिखनी चाहिए या सेम जो भी दिखना चाहिए। तो क्या मेरा ये OH किसके साथ फंक्शनल आइसोमर शो करेगा? केस फर्स्ट आपको क्या लगता है ये किसके साथ करेगा? ऑब्वियसली ईथर के साथ, सही है। अगर यहां पर सपोज तीन कार्बन है, तीन जितने भी हैं यहां पर उतने ही कार्बन टोटल हो जाए 10, ईथर हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो एल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एमीन 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन के साथ, 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन के साथ, यानी सब आपस में। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ। तो ये हमारे पास कुछ केसेस बन रहे हैं जिनका ध्यान रखें। सही है। तो इन दोनों को अगर हम बात करें कि भाई हाँ ठीक है, तो ये हमारे लिए पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ कौन सा आइसोमेरिज शो कर रहा है। अब आपको मुझे ये बताना है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है और OCH3 है, इसका इसके कितने आइसोमर्स होंगे फंक्शनल? तो ये हो जाएगा C2H5OH। तो मैं आपसे एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये एग्जांपल हो गए, ये इसके कितने आइसोमर होंगे, इसका कोई फंक्शनल आइसोमर्स बताओ। तो आपने Fi इसका ये बता दिया। C6 एक और एग्जांपल में ले रहा हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टोटल कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट बाय, मतलब मेरे पास है चार कार्बन और आठ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले ये बताओ आप कि ये एक एल्डिहाइड है या कीटोन है या ये अल्कोहल है? ये अल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है? अल्कोहल होता CnH2n+2O होता,
ये एक तरह से देखा जाए इन और ऑल, यानी कि एक डीओयू है, तो या ये क्या बनना की कोशिश करेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो आंसर आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये आपके पास हो गया CHO पहला, 1 2 3 4। अब चाहो तो देख लो, 3 2 5 6 7 8 9 और 1 10, 3 2 5 6 7, 1 2 3 4, अपन ने कार्बन ज्यादा ले लिए, 3 2 5 6 7 और 1 8 हो गया। अगर आप ये पहला बनाते हो तो दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, 4 ही तो कार्बन लेने, ये CHO, अभी आप सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे हो। अब अगर कम करते हो तो ये यहाँ एल्डिहाइड नहीं बनेगा, फिर कुछ और आप कर ही नहीं पा रहे इससे ज्यादा कम, तो अगला क्या हो जाएगा फिर, कीटोन। ऐसे बनाओगे आप, कैसे ज्यादा कम कर सकते हो आप, नहीं, तो आपका आंसर होगा 1 2 और 3। अगर कार्बोनाइल पूछा है तो ये 3 आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा टोटल पॉसिबल कंपाउंड तो बहुत ज्यादा आ जाते, फिर तो आपको सोचना और भी पड़ जाता फिर आंसर। अभी तो 3 है, क्या 3 से ज्यादा दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे? अगर आप और ज्यादा कंपाउंड देखते तो आप इसको ऐसे देख सकते थे, फिर तो बहुत सारे हो जाते, ये इनोल, ये हो जाता इनोल, ये हो जाता इनोल, ये तो एक के हैं, ऐसे बहुत सारे बनते चले जाते, OH यहाँ की जगह यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता। बन गए इनोल, ये तो अभी शुरुआत है। ईथर, साइक्लिक ईथर, ठीक है, तो ऐसे बनते जाएंगे, इसलिए हमने इसमें कार्बोनाइल बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। कुछ समझ में आया? तो ज्यादातर मैं आपको ऐसे ही परेशान कर सकता हूं,